हॅलो, गुड मॉर्निंग आणि तुम्हा सगळ्यांना ईद मुबारक. तुम्ही ऐकताय MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है आणि आरजे अमृता आहे तुमच्यासोबत. आज आपण आपल्या MGM 90.8 FM वर डबल सेलिब्रेशन करतोय, कारण आज आहे अक्षय तृतीया आणि ईद सुद्धा, आणि त्यानिमित्ताने आपल्या शहरातले नागरिक सुद्धा या सेलिब्रेशन मध्ये सहभागी झालेले आहेत. तर परवेज खान सर आपल्यासोबत आहेत, तर ते काय सांगतायत ऐकूयात. ईद उल फित्र के इस मुबारक मौके पर मैं MGM 90.8 FM के सभी सुनने वालों को दिल की गहराइयों से ईद की पुरखलूस मुबारकबाद पेश करता हूं. ईद उल फित्र में जो लफ्ज आया है फित्र, दरअसल उसे सदकतुल फित्र भी कहते हैं. सदकतुल फित्र यहां वो चैरिटी है जिसमें हर मुसलमान को अपने घर के हर फर्द की तरफ से 3.25 किलो अनाज, आटा या ड्राई फ्रूट की शक्ल में गरीब जरूरतमंदों में तकसीम करना कंपलसरी होता है ईद की नमाज से पहले पहले. आम तौर से जो सदका खैरात दिया जाता है वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, जैसे कपड़ा या पैसा, लेकिन ईद की नमाज से पहले सदकतुल फित्र अनाज, आटा या ड्राई फ्रूट की शक्ल में ही होना चाहिए, ताकि ईद के दिन कोई भूखा ना रह जाए. और हाँ, ईद के दिन रोजा रखना मना है. इस दिन सभी को खाने पीने और अपने परिवार वालों के साथ ईद की खुशियां बांटने का हुक्म है. परवेज सरांकडून आपण अजून बऱ्याच गोष्टी जाणून घेऊयात. तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका, इथेच थांबा आणि ऐकत रहा MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है. वेलकम बॅक ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है. आज ईद सेलिब्रेशन मध्ये आपल्या सोबत आहेत परवेज खान सर. तो सर, हमें आज ईद के बारे में कुछ बताइए. दरअसल इस्लाम में सिर्फ दो ही ऐसे दिन हैं जिनको त्योहार के तौर पर मनाया जाता है. एक है ईद उल अज़हा और दूसरी है ईद उल फित्र. ईद उल अज़हा जिसको लोग भारत में आमतौर से बकरीद के नाम से जानते हैं, और दूसरी ईद उल फित्र जो कि रमजान का महीना खत्म होकर जब शव्वाल के महीने का चांद दिखाई देता है उस वक्त 1 शव्वाल को मनाई जाती है. ईद उल फित्र दरअसल मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है. जब मुसलमान पूरे रमजान के महीने में रोजा रखते हैं, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये पूरा महीना मुसलमान रोजा रखते हैं, सुबह सूरज निकलने से पहले खाना पीना बंद कर देते हैं, शाम सूरज डूबने तक तकरीबन 14-15 घंटे भूखे प्यासे रहकर ज्यादा से ज्यादा इबादतें करते हैं. इस महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका व खैरात जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं, नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, क्योंकि इस महीने में किए जाने वाले नेक कामों का बदला यानी सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है. वैसे मुसलमान आम दिनों में भी अल्लाह को राजी करने के लिए सदका खैरात जरूरतमंदों और गरीबों में तकसीम करते हैं, लेकिन इस महीने में नेकी के कामों को ज्यादा से ज्यादा करते हैं. परवेज सरांकडून आपण अजून बऱ्याच गोष्टी जाणून घेऊयात. तुम्ही मात्र कुठे जाऊ नका, इथेच थांबा आणि ऐकत रहा MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है. वेलकम बॅक ऑन MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है. आज ईद सेलिब्रेशन मध्ये आपल्या सोबत आहेत परवेज खान सर. तो सर, हमें आज ईद के बारे में कुछ बताइए. ईद के इस मौके पर यही मैसेज मैं देना चाहूंगा कि जिस तरह हम रमजान के पूरे महीने इबादतों की पाबंदी करते हैं, आगे भी करें, ज्यादा से ज्यादा नेकी के कामों को अंजाम दे, गरीबों, मिस्कीनों और जरूरतमंदों की मदद करें, अपने शहर, रियासत व मुल्क में अमन सुकून के साथ अपने हम वतनों के साथ मिलकर अपने समाज की तरक्की और खुशहाली का जरिया बने, और ईद उल फित्र की खुशियों में सभी को शामिल करें. थैंक यू सो मच सर, और आपको भी ईद मुबारक. ऐकत रहा MGM 90.8 FM, साथ है तो बात है.